स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो ये वीडियो मैं रात्रि के 11 बजे शूट कर रहा हूँ और मैं अभी अपनी उछानी अपने ट्रांसपोर्ट पर बैठा हुआ हूँ। गुरु मेरे सामने ये ठीक हाईवे है, और इस वाले वीडियो को गुरु बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसको देखना बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रहे हमारे चौधरी साहब, तो काफ़ी ज़्यादा नाटक गुरु। पहले गिराते हैं शटर, तो दोस्तों इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि सच्चाई के साथ चलने वाले लोग बहुत कम होते हैं। आप अपनी वीडियो में झूठा सूटा कैसा भी कुछ क्लिक बैट करके या कुछ भी बोल के लगा दोगे तो उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज आते हैं, ये मैंने अभी देखा है। क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ गुरु उसमें आपको कोई क्लिक बैट नहीं मिलेगा, मतलब लिखा कुछ हो वीडियो के अंदर कुछ हो ऐसा कुछ नहीं होगा। जो वीडियो में दिखाया जाएगा वो ही बाहर थंबनेल पे लगाया जाएगा। तो भाई हम दिखाते हैं सच्चाई, वही सच्चाई जैसी हम दिखाते हैं वही हम अपनी थंबनेल में लगाते भी हैं। मैं खुद अपनी वीडियो पे मतलब ये दावा करके कह सकता हूँ कि व्यूज बढ़ाने के लिए मैं उल्टी सीधी चीज़ें उस पर लिखूँ कि भाई इतना घाटा हो गया, इतना लॉस हो गया, इतना नुकसान हो गया, और उसके अंदर निकले कुछ गुरु आप तो वीडियो देख के चले जाओगे लेकिन वो फिर ठीक ठाक नहीं लगता। इस वजह से मेरी वीडियो में वही होता है जो कि अंदर होगा भाई सामने भी होगा, तो इसलिए थोड़े बहुत व्यूज कम आ रहे हैं। सो आप लोगों से यही एक बात पूछनी है गुरु ऐसा क्यों? तो मेरी भी समझ में आया कि सच्चाई की राह पे चलने वाले बहुत कम इंसान होते हैं, और दो चार मेरे भाई भी हैं जो मेरे को बोलते भी हैं कि गोपाल भाई आपके वीडियो में भाई जो होता है अंदर वही आप थंबनेल लगाते हैं, अब एकदम सच्चा आप ब्लॉग बनाते हैं। तो भाई मैं वही ब्लॉग बनाता हूँ जो मतलब मेरे सामने होता है या गुजरता है, उसमें उल्टा सीधा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है यार। एक बार भाई लोग देखेंगे उस पर ज़्यादा व्यूज आ जाएंगे, परंतु बात ठीक ठाक होनी चाहिए वीडियो के बाहर भी वीडियो के अंदर भी। ऐसा नहीं आपके यहाँ पे कुछ और हो इधर पेट में कुछ और हो, जो भाई आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए वो ही अंदर होना चाहिए, तभी जीवन जीने का असली मज़ा आता है गुरु। और गुरु मैं बैठा हुआ अभी ट्रांसपोर्ट के अंदर जैसा कि मैंने आपको दिखाया, क्योंकि मेरी गाड़ी लोड होने के लिए गई है। तो ये लेटे हुए हैं इधर चौधरी साहब, ये इस ट्रिप मतलब इस चक्कर ये जाएंगे ही नहीं, तो एक बंदा बुलाया हुआ चलाने वाला लड़का है वही फिर गाड़ी को लेके गया भरने के लिए, तो वो गाड़ी आ पाएगी लेट। अभी बज रहे हैं 11:30 और लगभग 2-2:30 बजे तक गाड़ी आ पाएगी। तो मेरा गांव यहाँ से पड़ता है 5-7 किलोमीटर, तो मैं पहले से ही आके बैठ गया। अभी रात में गांव से आएंगे 12-1 बजे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है आने में, तो मैं सही टाइम से आ गया था। फिर अपने मोटर मालिक से जाके चाबी लेके आया, ये खोला, चौधरी साहब भी इधर भी सो गए और मैं भी इधर ही बैठ गया। जब गाड़ी आएगी गाड़ी में आके शटर खटखटा देगा और मुझे जगा लेगा, फिर हम दोनों लोग निकल जाएंगे गुरु। और इस बार भी गाड़ी हमारी इंदौर की लोडिंग है और उधर से हम इस बार भी केला ही लाने वाले हैं। और एक भैया ये भी पूछ रहे थे कि भाई पेपर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं उसमें केला लोड करने के लिए, तो उसमें कोई सेमी डॉक्यूमेंट रहते हैं उसमें, अदरवाइज कुछ अलग से नहीं होता है। तो बाकी भाइयों से यही मेरा निवेदन है, अपने भाई को सपोर्ट करते जाएं यार। भैया चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बहुत ज़्यादा काफ़ी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में भी, व्यूज वगैरह नहीं आते हैं, थोड़ा माइंड भी डिप्रेशन में जाता है। और कब से वीडियो भी बना रहे हैं और हर एक चीज़ को आपको हम दिखाते हैं जो कि होती है, उसमें इधर उधर का या झूठ का कुछ लबेड़ना झबेड़ना गुरु होता नहीं है, एकदम सच्चाई वाला ब्लॉग अपने पास अपलोड होता है गुरु। तो ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो इसीलिए ही बनाया था, केवल यही एक मकसद को लेके जो कि मैंने शुरू में बताया था। बाकी गाड़ी अपनी आएगी तो हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से, फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉगिंग आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे रास्ते वगैरह का जो भी जिस तरीके से हम ब्लॉग बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, और थोड़ा ध्यान दीजिए और अपने भाई की सपोर्ट कीजिए।